हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्राउन अनियन चिकन एंड ब्राउन अनियन पुलाव। जिसके लिए मुझे चाहिए 1 केजी चिकन, उसको मैरिनेट करना है। एक बड़े चम्मच अदरक, 1 बड़े चम्मच लहसुन, 2 बड़ा चम्मच तेल और 1 चाय का चम्मच हल्दी डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। मैंने नमक ऐड नहीं किया है, नमक क्योंकि चिकन पानी छोड़ता है इसलिए नमक ऐड नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इन्हें ढक के चिकन को मैं छोड़ दूंगी मैरिनेट होने। जब तक मैं अपने मसाले रेडी करूंगी, एक बॉल में मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च ली है, आप मिर्च अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच सब्जी मसाला और 1/2 चम्मच काली मिर्च ली है, 1/2 कप पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं इसे भी साइड में रख दूंगी। हमारी ये प्रिपरेशन हो रही है बनाने के लिए। अब हमें लेना है 1/2 कप क्रीम, इसे अच्छे से फेंटना है और उसे हम अच्छे से फेंटने के बाद 1 कप इसमें हम दही मिलाएंगे, उसे भी हम अच्छे से फेंट लेंगे और इसे फेंट के इसे भी हम साइड में रख देंगे। तो ये हमारी चिकन की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन रेडी है। जब तक हम राइस के लिए प्रिपेयर करेंगे, हमें 2 कप मैंने राइस लिया है और इसमें हमने डाला, इसे अच्छे से वॉश करके इसे सूखने छोड़ दिया है, अच्छे से पानी निकाल दे और इसे सूखने छोड़ दे। मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी बल्कि सूखा के रखूंगी। और जब तक मैं 5 प्याज लूंगी और इन प्याज को आपने बहुत थिन, बहुत पतले स्लाइसेस करनी है इनकी, जैसे आप स्लाइसेस देख सकते हैं, और इन्हें आप छुड़ा ले। अगर छुड़ाने से क्या होता है कि जब हम इसे तलेंगे तो बहुत अच्छे लच्छे निकल के आएंगे और अच्छे से तले जाएंगे चारों तरफ से। तो अच्छी तरह से इसे आप काटने के बाद अच्छे से छुड़ा लें। ये ऑलमोस्ट हमारा प्याज कट गया है और ये हमारा प्याज रेडी है। अब हम एक पैन में तेल डालेंगे। मैंने इसमें 200-250 ml के लगभग तेल डाला है। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं आंच पे और फिर प्याज डालना। प्याज हम एक साथ सारा नहीं डालेंगे, हम ट्रिप ट्रिप में डालेंगे। मैंने 2 ट्रिप में इसे तला है तो 200-250 ml आप तेल में आराम से 2 ट्रिप में तल सकते हैं तेज आंच पे, और इसे ब्राउन होने तक हम इसे तलेंगे। ये ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया है, इसे हम रिमूव कर लेंगे, निकाल लेंगे। आप चाहे तो टिश्यू पेपर पे निकाले तो एक्स्ट्रा तेल निकल जाता है, वैसे ये तेल नहीं लेता है। इसे ठंडा करके एक कंटेनर में रख दूंगी मैं इसमें से सारा यूज़ नहीं करूंगी, जितनी ज़रूरत है उतनी यूज़ करूंगी। इसे फ्रिज में रख दूंगी, ये बाद में भी हमारे काम आ जाता है बहुत कुछ बनाने में। जब तक हम राइस का करेंगे, एक कढ़ाई में हमने 1 बड़ा चम्मच घी और 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है। इसमें 1 तेज पत्ता, जावित्री, 1 दालचीनी, 2-3 लौंग और 2 हरी इलायची डाली है। हरी इलायची को मैंने खोल के डाला है कि फ्लेवर अच्छे से आ जाए, और तेज आंच पे इसे हम अच्छे से फ्लेवर आने देंगे। फिर आंच को स्लो करके हम राइस डालेंगे और राइस को हमने धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट तक भूनना है। आपको पता चल जाएगा इस तरह के हल्के से कलर चेंज होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। और हम जो एक्स्ट्रा इनके स्पाइसेस है वो निकाल लेंगे, क्योंकि मुँह में आते हैं फिर ये अच्छा नहीं लगता है खाने में, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। और रिमूव करके हम इसे, जब तक हम इसके लिए एक पतीले में पानी गर्म करेंगे। अब हमारी 2 कप राइस थी तो मैंने 3.5 कप पानी लिया है, 4 कप लेना चाहिए, मैंने 3.5 कप लिया, थोड़ा कम पानी लिया है। इसको हम गर्म करने चढ़ाएंगे। जब ये गर्म होने लगेंगे तो हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, और जब ये गर्म हो जाए तो साथ में हम राइस ऐड करेंगे। राइस को मिलाएंगे, अगर कुछ रह जाता है तो आप इसे निकाल लेना और इसे उबलने देंगे। जैसे ही उबाल आने लगे हम इसे लो कर देंगे फ्लेम और इसे ढकेंगे, पूरा भी नहीं ढकेंगे, थोड़ा खुला छोड़ेंगे। और ऑलमोस्ट सूखने लगे तो फिर हम 1 चम्मच उसमें जो तले हुए प्याज थे वो डालेंगे फ्लेवरिंग के लिए, और चला के और इसे फिर से ढक देंगे। ऑलमोस्ट आधा पानी सूख गया था और 3 से 4 मिनट तक ये पानी सूखने में लगेगा, और उसके बाद हम देखेंगे ये हो गया है तो हमने गैस ऑफ कर देनी है और 1 मिनट से चला के थोड़ा सा भाप हम निकाल देंगे ताकि वो स्टिकी ना हो। जब तक हम चिकन की तैयारी करेंगे, चिकन में मैंने वही तेल यूज़ किया जो अनियन में डाला था। इसमें मैंने तेज पत्ते डाले हैं, मेस, जावित्री और दालचीनी, 3 से 4 लौंग हैं, 2 हरी इलायची। ये मैंने अच्छे तेज आंच पे इनको गरम किया है। 1 कप के लगभग मैंने तेल डाली है, जो तले हुए प्याज के तेल थे उसी को यूज़ किया है। और ये सारे मसाले मैं फिर से बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि चिकन में फिर से ये मुँह में आएंगे और फिर मैं चिकन डालूंगी। चिकन डालते समय आपने फ्लेम को लो रखनी है ताकि चिकन चिपके नहीं। आप तेज आंच पे अगर डालोगे तो चिकन तुरंत से पैन में चिपक जाता है, तो लो फ्लेम पे आपने चिकन डालनी है और इसे संभाल के चलाना है शुरू में, क्योंकि चिपकते हैं नीचे।
और इसको धीमी आंच पे आपने थोड़ी देर तक छोड़ना है। थोड़ी देर बाद आपने इस बीच में आप चलाते रहे, थोड़ी देर बाद हम आंच को तेज करेंगे क्योंकि चिकन पानी छोड़ेगा तो हमें उसे भूनना है। एक्चुअली पानी छोड़ने से वो गलने लगते हैं, तो हम उसे तेज आंच पे भूनेंगे, बीच बीच पर चलाते रहेंगे। और जब ये पिंक से हो जाए, आपको लगे मसाला भून सा गया है, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जो हमने असेंबल करके रखा था। और इन मसालों को पहले तो हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे थोड़ी देर, जब मसाले सूखने से लगे तो 3 मिनट बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। ये ऑलमोस्ट पक गया है हमने, और आँच हमने धीमी की रही है और उसको ढक दिया है। इस बीच में हमने 1.5 कप प्याज लिया, जो मैंने तले थे उन प्याज में से 1.5 कप प्याज और 1/2 कप पानी लेकर इन्हें पीस लिया है। पीस के मैंने ये इस तरह से रेडी कर ली है। तो चिकन आप 4-5 मिनट के बाद आप चिकन का कवर हटाएं और ऑलमोस्ट चिकन गलने लगता है क्योंकि ऑलरेडी मैरिनेटेड था। तो अब इसमें हम ये पीसा हुआ प्याज डालेंगे जो मिक्सी में रह गया, वो थोड़ी सी पानी डाल के उसको अच्छे से घोल भी लेंगे, घोल के भी डाल देंगे। और साथ ही हम कर्ड और जो क्रीम फेंट के रखी थी वो डालेंगे। यहाँ पे हम जनरली आंच धीमी रखेंगे मसाले डालते समय, आंच धीमी क्योंकि कर्ड आप एक तेज आंच पे डालोगे तो फटने का डर होता है, तो धीमी आंच पे आप इसे डालेंगे। अच्छे से पहले चलाएं, अच्छे से मिक्स कर ले, जब जरूरत पड़ी तो हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। आपको ग्रेवी कैसी चाहिए उस हिसाब से। मैंने 2 चम्मच नमक डाला है इसमें, आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं। और मैं इसे ढक के लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाऊंगी। चिकन ऑलरेडी गल गए थे, नमक डालने से थोड़े से और अंदर से गल जाएंगे और ऑलमोस्ट ये चिकन आपके रेडी हो गए। अच्छा सा कलर आता है इसमें, इसको आप राइस या चपाती के और सैलड के साथ खिला सकते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। थैंक यू।